हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, द सीन इज राइट नाउ इज कि मेरे पास स्टिकर्स ऑलरेडी आ चुके थे। मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी थी, बट वीडियो की स्टार्टिंग नहीं कर पाया था, एक्साइटमेंट इतनी थी। सो अभी सीधा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं, फिर एंड में मिलता हूँ। बाल्टी में भी थोड़ा शैम्पू मिक्स करा है ज़्यादा एक बार, एंड अभी इससे हम थोड़ा टायर को क्लीन करेंगे ताकि डर्ट वगैरह निकल जाए। फिर उसके बाद क्लोथ से पहुँच के थोड़ी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो यहाँ पे आप एकदम फ्लैट चीज़ देख रहे हो तो थोड़ी सी स्मूथ होके रबड़ के जो स्टिकर्स है वो आराम से चिपक जाएंगे। सो अभी प्रोसेस को करता हूँ, तो वीडियो देखना आप। कर दी पुश स्टार्ट। सो गाइस, अभी फाइनली मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ताकि जितनी भी डर्ट है एक बार वो हट जाए, सो दैट जो ग्लू या बॉन्ड है वो अच्छे से चिपक जाए। एंड इसके बाद इसको क्लोथ से पहुँचेंगे पहुँच लेंगे, एंड उसके बाद फिर सैंडिंग करेंगे उसको। तो पहले टायर से बस क्लीन कर लेता हूँ उससे, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली इसको थोड़ा सैंडिंग कर रहा हूँ टायर पे ताकि स्टिकर की ग्रिपिंग अच्छी हो जाए एंड फॉर्मली स्टिक हो जाए, एंड उसके बाद फिर यूज करना। तो देखते हैं। घर में सैंड पेपर पड़ा। सो गाइस, जो लेटर्स है इन्होंने अलग अलग नहीं दिए थे, मैंने घर पे खुद पैकिंग अलग कर दी थी, सो दैट मेक्स नाउ। तो अभी मैं एक बारी साइज देख रहा हूँ, क्योंकि एक ये वाला पार्ट है जहाँ पे हम स्टिकर लगा सकते हैं और एक ये वाला पार्ट है। सो प्रेफरेबली मैं ऊपर ही लगाऊंगा, क्योंकि बिकॉज अगर इसमें कभी अलॉय रिमूव करना होता है टायर चेंज में, सो यहाँ से स्टिकर उतर सकता है। सो मैं इस वाले एरिया में लगाऊंगा, बाकी साइज वगैरह एक बारी चेक कर लेते हैं। अब जनर तो मिला नहीं, सो घर पे सैनिटाइज़र था, बिकॉज अल्कोहल तो होती है सो वो यूज़ कर रहे हैं। एंड इन्होंने हमें फेविक्विक दिया है, और ये मैं डी लेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सो पीछे वाले पार्ट पे लगाऊंगा, एंड यहाँ से देखते हैं स्टार्ट करते हैं। सो आई गेस यहाँ तक इतना पोर्शन आ जाएगा ये। एंड इन्होंने सेफ्टी के लिए ग्लव्स भी दिए थे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ग्लव्स नॉर्मल रबड़ के, बट अगर फेविक्विक इस पर लग गए तो हाथ पे चिपक जाएगा, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो नॉर्मली करते हैं, हाथ पे वैसे चिपकना है तो ग्लव्स का कोई यूज़ नहीं है। सो अभी ये पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल ही है, बाकी हाथों की कुर्बानी होगी। कर दो बंद कर दे। सो गाइस, फाइनली हाथ देख लो, रब अंगूठे वगैरह सब पे रबड़ लग चुकी थी। सो इनके ग्लव्स मैंने पहने, बट बहुत ज़्यादा चिपक रहा है भी, एंड पीछे से भी मेरी स्किन पे थोड़ा लगा था एंड फट गया अभी तक तो। बट लुक एट दिस भाई साहब, जो लुक आ रही है ना, मतलब एपिक लग रहा है थोड़े। हाँ, फर्स्ट टाइम में लेटर्स इधर उधर हो गए क्योंकि चेकी ज़्यादा हो रहे थे, तो नीचे हमने सारा अपना बखेड़ा फैला रखा है। तो अभी बाकी टायर्स, चार टायर और बचे हैं, मैंने 5 का सेट मंगवाया था। सो पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद दिखाते हैं फिर आपको। सो हाय गाइस, टुडे इज डे 2, एंड भाई साहब कोई भी काम आसान नहीं होता। लाइक कल, रुको मैं दिखाता हूँ, कल मेरे एक ये वाला टायर डन हो गया था पूरा, एक ये वाला हो गया था, ये स्टेपनी वाला बेसिकली, एंड एक ये वाला हो गया था हाफ। तो मतलब 5 से 2.5 डन हुए थे सिर्फ, दैट टू इन 2 आवर्स आई गेस। एंड अभी मैंने क्या करा है, फ्रंट वाला ये वाला टायर रिमूव कर दिया है, एंड एक पीछे का रह जाएगा बस। तो भाई साहब कोई भी काम आसान नहीं होता, अभी ये फ्रंट वाला है, इस पर काम करना है। भाई लोग पूछेंगे कि आपने लाइक 5 सेट क्यों लिए, तो 5 सेट इसलिए लिए मेरे क्योंकि मैं सारे टायर अपने 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पर रोटेट कर देता हूँ। सो दैट्स व्हाई 5 टायर भी रिक्वायर्ड था, क्योंकि रोटेशन बार बार होती रहती है, साल में 2-3 बार हो जाती है, एंड मैं नहीं चाहता था कि एक टायर खाली दिखे। तो भाई लगते हैं, टुडेज डे 2, सुबह हो गई है, 9 बज रहे हैं, फटाफट निपटाते काम। अब अगर टायर जैसे नीचे पड़ा हुआ है सो आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से क्लीन करके सैंड करके पेस्ट करके लगा दूंगा टायर। सो चलते हैं। Don't get caught up in the millions, yeah.
सो गाइज ये वाली जो फुटेज है ये मैं वॉशिंग करवाने आया था, तो आप देख लो ये स्टिकर्स कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर वॉश होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन पेस्टिंग कि पेस्टिंग कैसे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि स्टिकर्स कैसे वर्क करेंगे। बट भाई मेरे तो डामाडोल हो गए एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बाकी बताता हूँ। तो हाँ जी देखी वीडियो, सो नाउ आई विल कम टू द कंक्लूजन। देखो मेरे को पड़े थे 850-900 के और पेस्टिंग मैंने खुद, दाढ़ी यार बहुत बढ़ गई, तो पेस्टिंग मैंने खुद करी थी। सो अगर जब टायर कार पे लगा हुआ था तो उस हिसाब तो उस टाइम पे तो मतलब ड्रॉप्स फेविक्विक की कम डाल पा रहा था, बट अगर मैंने टायर नीचे रखा था और उसके ऊपर फिर लगा था स्टिकर्स तो आसानी से लग रहे थे। सो अब आप पे डिपेंड करता है कैसे पेस्टिंग करोगे, बट अकॉर्डिंग टू मी बाहर से करवा लो काम तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाथों की बैंड बच जाती है, टाइम बहुत लगता है इसमें, मतलब 3-4 घंटे है। तो मैं तो 850-900 के लिए थे, तो 1000-1500 लेबर देने का फायदा नहीं था। तो वॉट आई विल सजेस्ट इज कि अगर बाहर से 2000 के भी लगा के दे रहे हैं तो आप जाके लगवा सकते हो। तो मैं भी नेक्स्ट वही ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में, लाइक नेक्स्ट जनवरी, अभी तो नहीं, अभी तो टूटे फूटे लगे पड़े हैं, जो है क्लिप आर्ट फोटो ऐड कर दूंगा मैं अगर होगी तो। तो फॉर मी दे डिडंट वर्क वेल, बट अगर आप अच्छे से पेस्ट कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर देम। एंड जब मैंने लिए थे तब ये नया नया स्टार्टअप था, मेरे ही आए थे मई या जून में, वीडियो आ रही है तो टैलेंट है ना लेट डालने का। सो तो उस टाइम पे इनके पास एक ही क्वालिटी के आते थे, अब इनके पास 2-3 क्वालिटी के और है, लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा अगर चाहिए तो। बाकी अगर मेरे से पूछो लेने चाहिए या नहीं तो देख लो, 1500-2000 के बाहर भी लगा के दे रहा तो वो भी सही है। एंड अगर ये वाली क्वालिटी लोगे तो इसमें फिर 2 रबड़ वाली आती है तो वो लेना आप, वो ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी अपडेट उसमें यही था एंड वीडियो अच्छी लगी हो, लगी होगी यार इतनी बढ़िया चीज लाओ तो लाइक कर देना, यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, कर दो भाई 500-1000 तो कर दो।